बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, इस वक्त महाराष्ट्र के प्रभारी बनाए गए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव को बनाया गया है महाराष्ट्र का सह प्रभारी। महाराष्ट्र के प्रभारी के तौर पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को नियुक्त किया गया है, सह प्रभारी के तौर पर अश्विनी वैष्णव काम करेंगे। तो महाराष्ट्र के अंदर आने वाले वक्त में चुनाव हैं और उसी के लिए सह प्रभारी और प्रभारी की नियुक्ति कर दी गई है। महाराष्ट्र के प्रभारी बनाए गए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और सह प्रभारी के तौर पर अश्विनी वैष्णव। इसी के साथ फिलहाल इतना ही, नमस्कार। ये है NDTV और आप देख रहे हैं NDTV राजस्थान। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में बड़ा ट्रेन हादसा, 8 लोगों की मृत्यु, 25 घायल। कंचनजंगा एक्सप्रेसवे से टकरा गई है मालगाड़ी। बजट सत्र से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात, चुनावी नतीजों और बजट पर हुई चर्चा। 3 जुलाई से शुरू होगा राजस्थान का बजट सत्र। राजस्थान को सरप्लस एनर्जी स्टेट बनाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 4 सोलर प्रोजेक्ट के लिए भूमि आवंटन के प्रस्ताव को दी मंजूरी, सोलर एनर्जी के लिए सोलर पार्क की स्थापना करने का फैसला। नागौर से RLP सांसद हनुमान बेनीवाल ने की नीट परीक्षा रद्द कर CBI जांच की मांग, कहा बड़े स्तर पर कई हुई गड़बड़ियां, केंद्र सरकार कर रही है नाकामी छिपाने का प्रयास। अजमेर के मांगलियावास से पंजाब पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सहयोगी को किया गिरफ्तार, हथियार और कारतूस सप्लाई करने का है आरोप, भूपेंद्र खरवा पर पहले से ही कई केस दर्ज। प्रायोजक है मुल्तानी पचमीना, अपने हक का खाओ सब कुछ पचाओ।